विनय यादव, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सलमान खान को बड़ी राहत, मिल गई आखिरकार जमानत। निमोनिया से बचाव को लेकर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। परशुराम जयंती को लेकर बैठक संपन्न, बनी कार्य योजना। अब खबरें विस्तार से। काले हिरण के शिकार वाले मामले में शनिवार के दिन सलमान खान को जमानत मिल गई। आपको बता दें कि सलमान खान के संकटों को टालने के लिए संकट मोचन हनुमान जी की पूजन अर्चन से लेकर हवन तक होशंगाबाद की पहाड़िया स्थित हनुमान मंदिर में विद्वान पंडितों के द्वारा किया गया था कि सलमान खान को शनिवार के दिन ही जमानत मिल जाए, जो मुराद संकट मोचन ने सुन भी ली और सलमान खान को आखिरकार शनिवार के दिन ही जमानत मिल गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा में निमोनिया से बचाव कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार के दिन किया गया, जिसमें बीएमओ कांति भास्कर ने बताया कि निमोनिया से बचाव के लिए पीसीबी वैक्सीन बहुत जरूरी है, इससे शिशु की मृत्यु दर में कमी आसानी से लाई जा सकती है। शुभारंभ कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एसडीएम धीरेन्द्र सिंह, जनपद सीओ रीना चौहान, नायब तहसीलदार ऋतु सालवे, बीएमओ कांति बाथम, डॉक्टर जीआर करोड़े, बी अश्वनी जोसेफ सहित अन्य स्टाफ के सदस्य उपस्थित थे। परशुराम जयंती को मनाने को लेकर सर ब्राह्मण महिला संगठन के द्वारा बैठक का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष उषा उदासी के यहाँ किया गया, जिसमें तीन दिवसीय आयोजन की कार्य योजना सभी महिलाओं के द्वारा तैयार की गई। बैठक में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष प्रीति शुक्ला, अनिता अवस्थी, मिनी व्यास, मेघा उपाध्याय, सीमा उपाध्याय, अनिता शर्मा, अनिता जोशी, अर्चना पालीवाल, अर्चना मिश्रा, पूनम पालीवाल, सुदीक्षा अवस्थी, रेखा शर्मा, कृष्णा व्यास, चंचल शास्त्री, प्रभा शर्मा, मनीषा भारद्वाज, मुक्ता दुबे, उषा शर्मा सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थी। नर्मदा नदी से अवैध रेत के उत्खनन पर रोक लगाने को लेकर सिवनी मालवा पुलिस विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसी कार्रवाई शनिवार के दिन एसआई विजेंद्र सोलंकी ने आरक्षक महेंद्र गुजर, शैलेंद्र एवं दिलीप जाट को साथ लेकर ग्राम भांगिया एवं आयपा रोड पर की, जहां ट्रैक्टर ट्रालियों में नर्मदा की रेत भरी होने पर जब ड्राइवर से रॉयल्टी के बारे में पूछा गया तो ड्राइवर ना तो जवाब दे पाया ना ही रॉयल्टी दिखा पाया, जिसके बाद दोनों ट्रैक्टर को लाकर सिवनी मालवा थाने में खड़ा कर दिया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.